गाइज, एक गेमिंग फोन को क्रिएट करने के लिए कंपनीज को बहुत सारे टेढ़े मेढ़े से काम करने पड़ते हैं। टेढ़ा है पर मेरा है। जैसे फोन में एक फिजिकल फैन लगाना, 165 वोल्ट की चार्जिंग, ट्रांसपेरेंट बैक दे देना, इसी के साथ आपको RGB लाइट्स प्रोवाइड करना और एक पावरफुल सा गेमिंग प्रोसेसर देने के साथ साथ सारी चीजें जो होनी चाहिए वो बिल्कुल लेटेस्ट एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। लेकिन जब बात करें 20,000 के बजट के नीचे आने वाले गेमिंग फोन की, तो इन सब चीजों का कोई काम नहीं है। और अगर काम है तो भी ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। क्यों डिग्री नहीं ना तेरे पास? क्योंकि ऐसे में जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो है बजट। और इस बजट में ये सारी चीजें लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बजट में एक चीज बिल्कुल पॉसिबल है और वो है एक पावरफुल प्रोसेसर, बाकी सारी चीजों के साथ थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कटिंग करके। अब आपको लग रहा होगा कि 20,000 के अंडर गेमिंग फोन भी है, कॉस्ट कटिंग भी हो रही है, इसका मतलब 4G फोन हो सकता है। ऐसा नहीं है। बहुत ही पावरफुल से कुछ 5G स्मार्टफोन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो गेमिंग में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला फोन है वो है IQOO G5 5G। यहाँ पे आपको मैट फिनिश देखने को मिलती है, 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 778G है, LPDDR5 वाली रैम है और UFS 3.1 बेस स्टोरेज है। मतलब सब कुछ बिल्कुल कमाल का डाला गया है अगर परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए तो। और 6+64+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रेयर कैमरा जो बहुत ही मस्त मस्त रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, 5000 mAh की बैटरी और 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, और इसी के साथ साथ आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है। देखना 2023 तक ना ये एक मोस्ट फ्लेक्सी फीचर बन जाएगा बजट रेंज में, और इसको स्पेशली हाईलाइट पॉइंट से गिनाया जाएगा कि 3.5mm जैक भी है इस फोन में। और इसकी जो प्राइस है वो वैसे 23,990 है, लेकिन 3,000 का डायरेक्ट ऑफ मिल जाता है या इनकी खुद की वेबसाइट पे 30 डेज में कैशबैक मिल जाएगा, जहां पे इसकी इफेक्टिव प्राइस बन जाती है 20,990 रुपीज। तो इस प्राइस रेंज में अगर किसी को डेडिकेटेड फोन चाहिए और IQOO की UI से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और जो दूसरा फोन है वो है MI 11 5G। वैसे तो ये फोन जो है वो 26,000 की प्राइस में आता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही कम में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इसकी प्राइस अभी ऑफर्स में 19,990 रुपीज है। और इस प्राइस रेंज में आपको प्रोवाइड करता है ग्लास बैक, 5G, Dimensity 920, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट, और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है, उनकी क्वालिटी भी बहुत ही कमाल की है। फ्लैट बॉक्सी एजेस आपको देखने को मिलेंगे और पूरा का पूरा फोन जो है वो कहीं ना कहीं आपको एप्पल से इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। इसमें अगर आप BGMI खेलने जाओगे तो आपको बैलेंस पे HD का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर स्मूथ में 60 FPS खेल पाओगे। उसके बड़े वाले भाई के पास 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, उसको अवॉइड करके आप इसके पास जाओगे तो आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये अभी 20,000 की चीज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट डील हो सकता है गेमिंग के लिए भी। और तीसरा फोन है वो है पोको X4 Pro 5G। अब कहने को इस प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन है, जैसे Realme 9 Pro है, OnePlus Nord CE2 Lite है, और इसी के साथ आपको इन्हीं का खुद का Redmi Note 11 Pro Plus देखने को मिलता है, Moto G71 है, बिल्कुल सारे के सारे एक ही फोन है। लेकिन मैंने इसी को चूज क्यों किया है? क्या पोको वालों से एकदम बातचीत हो गई थी? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है, एक रिफ्रेशिंग सा डिजाइन है, और इसी के साथ IR ब्लास्टर भी देखने को मिलता है, कुछ ऐसे एडवांटेज हैं, और 67 वोल्ट की चार्जिंग भी है जो बाकी सारे फोन्स में आपको इस प्राइस रेंज में नहीं देखने को मिलती है। और बाकी सारी चीजें वो की वो हैं, स्नैपड्रैगन 695 है, सुपर एमोलेड है, 120 हर्ट्ज है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, इसमें भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। ऐसे कोई डेडिकेटेड गेमर के लिए बनाया हुआ फोन नहीं है, 40 FPS पे कर पाओगे, लेकिन ये आफ्टर डिस्काउंट 15,999 में अभी आपको मिल जाएगा। और मे बी ये वीडियो अगर आप 17 तारीख से पहले देख रहे हो तो आपको सेम प्राइस रेंज में जो आपको बता रहा हूं सेम वसी में देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ इस प्राइस रेंज में माल के हैप्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं, कैरियर एग्रीगेशन है, और 5G तो अपने आप में है ही है, ये एडवांटेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और मस्त रिफ्रेशिंग सा डिजाइन है। और उसके बाद फोर्थ नंबर का लास्ट फोन, Realme 9 5G SE स्पेशल एडिशन। ये बेसिकली 9 सीरीज में बहुत सारे फोन लॉन्च हुए हैं, लेकिन ये वाला जो है वो सिर्फ गेमिंग को टारगेट करके बनाया गया है। अब कई ऐसे लूडो खेलने वाले भी इसको ले लें और उसके बाद बोले यार सजेशन गलत थी, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप स्पेशल गेमर हो और आपका बजट इतना ही है 15,000-16,000 रुपये का 18,000 रुपये का, तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। स्नैपड्रैगन 778G जो है ना वो सबसे सस्ता इसी फोन में मिल रहा है, लेकिन ये गेमिंग में ही सबसे अच्छा है क्योंकि कैमराज आपको स्पेशल नहीं देखने को मिलते हैं, कोई अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो देखने को मिलते हैं, वो भी
बिल्कुल यूजलेस। और इसी के साथ एक स्पेशल चीज, आपको 144 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, जो गेमिंग में बहुत काम आने वाली है। 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी और 30 वोल्ट की चार्जिंग। ये फोन आपको आफ्टर डिस्काउंट 15,999 में मिल जाएगा, तो इसको भी आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो अगर आपको कोई एक पावरफुल गेमिंग डिवाइस चाहिए है। तो मुझे लगता है कि 20,000 के नीचे ये कुछ चार फोन है जो गेमिंग वाले बंदे हैं उनकी सारी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। बाकी चारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए।